आप आजकल कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए, इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए, वहां पर दांत चियारे हुए, हंसते मुस्कुराते आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेबसाइट पर नजर आते थे। दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी के प्रचार प्रसार को लेकर उन पर जमकर तंज कसा। आपको बता दें कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर कुछ आरोप भी लगाए। उनका कहना था कि हर सोशल मीडिया साइट्स पर पीएम मोदी की हंसती हुई तस्वीरों का प्रचार प्रसार बहुत होता है, लेकिन पीएम मोदी ने गूगल एड्स की नीतियों का भी इसी दौरान उल्लंघन किया है, जिस पर गूगल को सफाई जरूर देनी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़ पैसा इतना है इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा। 50% गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए। गूगल का अपना नियम है कि अगर 3 से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। लगातार उल्लंघन हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गूगल जैसे, पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, और अपने ही नियम कानून का को माने और उसका उल्लंघन ना करें। ये एक विडंबना है कि इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के लोकतंत्र में मुख्य विपक्ष के अकाउंट को, बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने की कोशिशें की जाती हैं, तमाम वॉलंटियर्स और बड़े लोग जो बोलते हैं उस पर ट्विटर और फेसबुक बैन लगाता है, पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उल्लंघन करती रहती है। अब यहां पर सामने आ रहा है कि गूगल एड्स में भी उल्लंघन हुआ है और उनके एड चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र के जो नियम और कानून है उसके दायरे में रहकर काम करना चाहिए।